तो गाइस मैं आज आया हूँ फॉक्सवैगन मोहाली में। अगर आप फॉक्सवैगन की किसी भी गाड़ी में इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। शोरूम का एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दी हैं। यहाँ पर आप विज़िट करें एंड बेस्ट से बेस्ट डील आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। बाकी चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। मेरे सामने आप देख रहे हैं द ऑल न्यू फॉक्सवैगन वर्टिस। इस गाड़ी में आपको मेनली तीन वेरिएंट्स ऑफर किए गए हैं, कम्फर्ट लाइन, हाई लाइन एंड टॉप लाइन। इसके अलावा आपको एक अलग एडिशन भी मिल जाती है जो कि है GT एडिशन। साइड पे देख सकते हैं आप। तो मेरे सामने आप देख रहे हैं इसका 1 लीटर टॉप लाइन वेरिएंट। बाकी GT में आपको 1.5 लीटर इंजन मिलता है जिसकी पावर फिगर्स भी आपको डिफरेंट मिलती हैं। तो मेरे सामने जो आप देख रहे हैं ये है इसका टॉप लाइन ऑटोमेटिक वेरिएंट। इसके अलावा इसमें आपको इलेक्ट्रिक सीट्स वाला ऑप्शन भी मिल जाता है, साउंड एडिशन भी आता है एक अलग वेरिएंट इसका। तो जो मेरे सामने है ये है टॉप लाइन ऑटोमेटिक वेरिएंट जिसके एक्सशोरूम प्राइस आपको पड़ती है 16,57,900 रुपीज़। वहीं ऑन रोड प्राइस इसका चला जाता है लगभग 19 लाख के करीब। बाकी इसमें क्या कुछ आपको डिफरेंट मिलता है GT एडिशन से उसकी भी बात करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सर फ्रंट की बात करें तो ऐसा कुछ आपको फ्रंट लुक्स देखने को मिल जाती है गाड़ी की। काफ़ी अच्छी जो है गाड़ी की फ्रंट लुक्स दी गई हैं। ऐसा कुछ आपको यहाँ पे लोगो देखने को मिल जाता है, बीच में ब्लैक फिनिश रखी हुई है, काफ़ी सही लग रही है। साइड पर आ जाते हैं, क्रोम लाइनिंग देखने को मिल जाएगी आपको फ्रंट ग्रिल पर एंड ऐसा कुछ मिलता है आपको गाड़ी का हेडलैम्प। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, प्रोजेक्टर आपको, LED यहाँ पे हेडलैम्प दिए गए हैं। साथ में आपको ये DRL देखने को मिल जाएगी, काफ़ी प्यारी लगती है रात को ये। नीचे आ जाते हैं, नीचे आपको यहाँ पे पूरा पार्ट ग्लॉस ब्लैक फिनिश में रखा गया है। यहाँ ग्रिल भी देख सकते हैं, काफ़ी सही चीज़ लग रही है ये। साइड पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं फॉग लैम्प्स विद कॉन्टरिंग फंक्शन। यहाँ पे भी आपको पूरा पार्ट क्रोम में रखा गया है, काफ़ी सही लग रहा है ये। ओवरऑल ऐसा कुछ आपको मिल जाता है गाड़ी का फ्रंट लुक, काफ़ी डिसेंट लुक है गाड़ी की। साइड पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको तो ऐसा कुछ साइड लुक मिलता है ठीक ठाक। आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगी, 45 लीटर का इसमें आपको मिलता है फ्यूल टैंक एंड वहीं 18 KMPL की इसकी माइलेज क्लेम की गई है। गाड़ी की ओवरऑल डाइमेंशंस आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी। एंड सेफ्टी की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है क्रैश टेस्ट में। इसके अलावा इसमें आपको 6 एयरबैग्स, ब्रेक असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, रिवर्स पार्किंग कैमरा, स्पीड अलर्ट, हिल असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी चलते हैं अब गाड़ी के व्हील चेक कर लेते हैं एक बार। अलॉय व्हील्स की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे 16 इंच का अलॉय व्हील। सेम आपको प्रोफाइल मिलती है GT लाइन में, जो मिलती है वही सेम प्रोफाइल है 205/55 R16। बस इसमें आपको डायमंड कट सिल्वर ब्लैक फिनिश में अलॉय मिलते हैं, वहाँ पर आपको ब्लैक फिनिश में मिलते हैं। MRF का साथ में आपको टायर देखने को मिलने वाला है। ऊपर आ जाते हैं, ऐसे कुछ आपको यहाँ पे कट्स देखने को मिलते हैं। साइड ओवर में मिल जाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल फोल्ड लेवर विद इंडिकेटर एंड यहाँ भी डोर पे आपको ये क्रोम फिनिश देखने को मिल जाएगी। फ्रंट डोर आपको मिल जाएंगे रिक्वेस्ट सेंसर के साथ। चलते हैं गाड़ी के रियर सेक्शन की तरफ, तो ऐसा कुछ मिलता है आपको गाड़ी का रियर लुक। वहाँ आप देख सकते हैं, वहाँ भी आपको सेम तरह की टेल लैंप्स देखने को मिलती हैं। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो पीछे स्पॉइलर नहीं दे रखा है, वहाँ पे आपको ब्लैक फिनिश में स्पॉइलर देखने को मिल जाता है जो काफ़ी एक स्पोर्टी लुक देता है गाड़ी को। बाकी ऑलमोस्ट आपको सब चीज़ें सेम ही देखने को मिलने वाली है। फॉक्सवैगन का लोगो देखने को मिल जाएगा, ऐसी कुछ लुक रहेगी इनकी। LED में आपको देखने को मिल जाएगी, काफ़ी सही लग रहे हैं LED इंडिकेटर्स। साइड पे आ जाते हैं, रिवर्स पार्किंग कैमरा देखने को मिल जाएगा, तीन आपको मिल जाएंगे पीछे रियर पार्किंग सेंसर्स। यहाँ पे आ जाएगा रिफ्लेक्टर, ये अगेन क्रोम फिनिश देखने को मिल जाएगी। इस गाड़ी में आपको नीचे एग्जॉस्ट पाइप सिंगल मिलती है, उसमें आपको डबल मिलती है GT में, देख सकते हैं। बाकी गाड़ी की कीज़ की बात करूँ तो इसमें आपको ऐसी कुछ कीज़ देखने को मिल जाती हैं, ये देखो सेम ही है, कुछ डिफरेंस ही है लॉक अनलॉक टेलगेट के बटन के साथ। कर लेते हैं गाड़ी का टेल गेट ओपन। यहाँ आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप देखने को मिल जाती है, दोनों गाड़ियों में यहीं पे मिलेगी। कर लेते हैं इसको ओपन। सो ऐसा कुछ 521 लीटर्स का इसमें आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा खासा बूट स्पेस दिया गया है। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको सेम आपको यहाँ पर स्टील व्हील मिलेगा, साइज़ इसमें आपको कम मिलेगा, जो बाहर साइज़ है उससे कम मिलेगा। 195/65 R15 इसमें मिलेगा, बाहर 16 इंच के व्हील लगे, यहाँ पर आपको 15 इंच का मिल रहा है। वहीं अगर आप GT लाइन पर जाते हैं उसमें आपको सेम साइज़ का आपको व्हील मिलता है, मिलता स्टील है लेकिन मिलेगा सेम साइज़ का 16 इंच का और सेम डायमेंशन है उसकी। यहाँ पे आ जाएगी टूल किट, यहाँ फर्स्ट एड किट वगैरह दी गई है, 64 स्पीड रियर सीट्स हैं। कर लेते हैं इसे क्लोज और चलते हैं गाड़ी के अंदर। सो ऐसा कुछ मिलता है आपको गाड़ी का रियर डोर, अगेन ब्लैक एंड ग्रेज फिनिश यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर ये सिल्वर फिनिश रखी गई है, यहाँ पर ट्विटर आ जाएंगे, यहाँ स्पीकर रखा गया है, यहाँ पर बॉटल होल्डर मिल जाएगा। सीट्स की बात करें, ब्लैक एंड ग्रेज फिनिश में सीट अपहॉल्स्ट्री मिलेगी, लेदर सीट अपहॉल्स्ट्री मिलती है आपको इसमें। 3 आपको मिल जाएंगे हेडरेस्ट, सेंटर आर्मरेस्ट दिया गया विद 2 कप होल्डर। गाड़ी के अंदर बैठ के देखते हैं, मेरी हाइट के अकॉर्डिंग सीट एडजस्ट की गई है, काफ़ी अच्छा थाई स्पोर्ट लेग स्पेस आपको वर्टस में देखने को मिल जाता है
एंड ऊपर आपको रीडिंग लाइट्स मिल जाएंगी LED में, सॉफ्ट क्लोज आपको मिल जाएंगे, ग्रैब हैंडल्स एंड सीट पॉकेट्स दी गई हैं, रियर AC वेंट्स मिल जाएंगे, दो आपको USB टाइप सी चार्जिंग बोर्ड मिल जाते हैं, ऐसा कुछ ओवरऑल आपको मिलता है गाड़ी का। फ्रंट का लुक देखने में ज़्यादा कुछ डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा इस टॉप लाइन में और GT में, आपको इतना कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। बाकी वही है कि मेन खेल तो इंजन का है भाई, ऊपर आपको सनरूफ भी देखने को मिल जाता है इसमें, ऐसा कुछ ओवरऑल लुक है गाड़ी का। चलिए फ्रंट में चल के देखते हैं। अब रिक्वेस्ट सेंसर अगेन आपको देखने को मिल जाते हैं डोर्स पे, ऐसा कुछ मिलता है आपको गाड़ी का। ड्राइवर डोर अगेन ब्लैक एंड ग्रे फिनिश में इसको रखा गया है। ऑल फोर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं पावर विंडोज, यहाँ पे ORVM के एडजस्ट करने का बटन दिया गया है, लॉक अनलॉक का बटन यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, यानी अगेन सिल्वर फिनिश रखी गई है। नीचे बॉटल होल्डर आ जाएगा ना, यहाँ पे स्पीकर दिया गया है। ड्राइवर सीट की बात करें तो यहाँ पे आपको मैनुअली 6 फीट एडजस्टेबल आपको सीट देखने को मिल जाती है। बाकी अगर आपको इलेक्ट्रिक सीट चाहिए तो उसके लिए आपको एक डिफरेंट वेरिएंट पे जाना पड़ेगा, जो कि रहेगा जैसे कि टॉप लाइन ऑटोमेटिक वेरिएंट है, तो उसमें आपको टॉप लाइन ऑटोमेटिक ES पे जाना पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रिक सीट्स वाले ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ इसका ओवरऑल डिज़ाइन रहने वाला है। यहाँ पे आया था, यहाँ पे हेडलैम्प्स का बटन दिया गया है, यहाँ पे आ जाएंगी हेडलैम्प लेवलर, ऊपर ये सीवेंट्स ऐसे कुछ मिलेंगे, ब्लैक पैनो फिनिश यहाँ पे रखी गई है। यहाँ पे आ जाते हैं, वाइपर के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। नीचे आ जाते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो आपको डेड पैडल जरूर दिया गया, साथ में ब्रेक एंड ब्रेक का पैडल देखने को मिल जाएगा। चलिए चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में, तो एक बार आप आवाज़ सुन रहे हैं इसकी, क्या मस्त इसकी आवाज़ आती है। एंड ऐसा कुछ ओवरऑल डैशबोर्ड है गाड़ी का, ऐसा कुछ D-cut आपको इसमें भी आपको स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है। एक बार इसको ऑन करके दिखाता हूँ, तो ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है, फुली डिजिटल, काफ़ी अच्छा साइज इसका रखा गया है। तो यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं यहाँ से, ये सारी सेटिंग्स होंगी इसकी, इकोनॉमी, एवरेज इकोनॉमी डिस्टेंस, स्पीड, एवरेज स्पीड, गियर डिस्प्ले, ये सब यहाँ आपको देखने को मिलेगा। सेंटर में आपको देखिए ऐसे ये डिजिटल स्पीड दिखाएगा और उसी के साइड पे RPM रखा गया, ऐसा कुछ ये चेंज भी कर सकते हैं आप इसे, मतलब काफ़ी स्पोर्टियर फील आ रही है गाड़ी के इंटीरियर में बैठ के, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्टीयरिंग पे आपको लेफ्ट साइड मिल जाते हैं सारे क्रूज एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स, ये पूरा पार्ट आपको नीचे का दिया गया सिल्वर फिनिश में, एंड राइट साइड आ जाएगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स। एडजस्टमेंट की बात कर लेते हैं इसमें, तो यहाँ पे आपको टिल्ट टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट देखने को मिल जाती हैं इस पे भी। सेंटर में आ जाते हैं, आपको इन्फोटेनमेंट देखने को मिल जाता है, 10.09 inches का साइज रहने वाला है, एंड इसी के साथ आपको 4 स्पीकर्स एंड 4 ट्वीटर्स देखने को मिल जाते हैं। सारे इसमें इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी, कंजप्शन टाइम, एवरेज स्पीड, म्यूजिक, डैशबोर्ड, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, ये सब कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप सेटिंग्स देख सकते हैं, यहाँ ट्रैक्शन ऑन ऑफ का बटन आ रहा है, पूरा ही पार्ट ब्लैक फिनिश में रखा गया है। यहाँ पे आपको 1000 स्विच देखने को मिल जाएगा, ये सिल्वर लाइनिंग रखी गई है, दो आपको यहाँ पे सीवेंट देखने को मिल जाते हैं। नीचे आ जाते हैं, फुली आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक AC का कंट्रोल की यूनिट देखने को मिल जाती है। नीचे वायरलेस चार्जिंग पैड है, साथ में 2 Type-C चार्जिंग पोर्ट, 6 स्पीड यहाँ पे आपको मिलेगा, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, साथ में इंजन स्टार्ट ऑफ का बटन है, सिल्वर फिनिश में रहने वाला है ये भी। आइडल स्टार्ट ऑफ का बटन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फ्रंट आपको दोनों जो है वेंटिलेटेड सीट्स देखने को मिल जाएंगी, एंड यहाँ पे 12 वाट का सॉकेट रखा गया है, दो आपको यहाँ पे कप होल्डर्स देखने को मिल जाएंगे, यहाँ हैंड ब्रेक दी गई है, एंड इतना कुछ आपको डिसेंट स्पेस मिल जाएगा आर्म रेस्ट में। कूल्ड आपको यहाँ मिल जाएगा ग्लव बॉक्स, एंड काफ़ी डिसेंट स्पेस रखी गई है इसमें भी। कर लेते हैं इसे क्लोज, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक IRVM देखने को मिल जाएगा, ऊपर आपको 2 लाइट्स देखने को मिल जाएंगी, एंड यहाँ आ जाएगा ड्राइवर सनवाइजर विद टिकट होल्डर, एंड यहाँ आ जाएगा को ड्राइवर सनवाइजर विद वाइंडिंग मिरर, ग्रैब हैंडल दिए गए हैं, एंड यहाँ भाई साहब आ जाता है आपका सनरूफ, अच्छा खासा साइज है इसका भी। तो सेफ्टी में इसमें भी आपको 6 एयरबैग देखने को मिल जाएंगे, आगे ट्विटर्स देखने को मिल जाएंगे दोनों साइड पे, बाकी इंबिल्ट लाइट भी मिल जाएगी आपको ग्लव बॉक्स के ऊपर, जो कि रात में काफ़ी अच्छी लुक देती है गाड़ी के इंटीरियर को। बढ़िया फील आ रही है गाड़ी में, और काफ़ी मजबूत लग रही है गाड़ी, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी जो है फील हो रही है गाड़ी की। कर लेते हैं इसे क्लोज, तो ऐसा कुछ रहने वाला गाड़ी का इंजन कंपार्टमेंट। मेरे सामने आप देख रहे हैं, यह है इसका
1 लीटर इनलाइन 3 सिलेंडर TSI इंजन जो पावर प्रोड्यूस करता है 108 BHP की विद 178 Nm मैक्सिमम टॉर्क। वहीं GT एडिशन में आपको 1.5 लीटर का इंजन ऑफर किया गया। ऊपर आपको कोई भी हुड डैम्पिंग नहीं मिलेगी, ऑलरेडी इंजन काफ़ी साइलेंट है। सो ये थी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन Volkswagen Virtus टॉप लाइन ऑटोमेटिक वेरिएंट की। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।